अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद, जिसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि भाभी आई माहम के पास, एक तो कमेटी के पैसे लेने के लिए क्योंकि घर में पैसे नहीं, और दूसरा माहम को उसी की सास के खिलाफ भड़का दिया कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी सास घर छोड़कर चली जाए। जबकि माहम ने कहा भी वो कहाँ जाएगी, उनका तो एक ही बेटा है, बेटे का घर छोड़कर कहाँ जाएगी। तो कह दिया भाभी ने, क्यों उसकी दो बेटियां नहीं, दोनों अच्छी खासी हैं अपने घरों में, उनके घर भी तो जा सकती है, यहाँ पर रहने का क्या तुक बनता है। तो अब माहम ने भी सोच लिया कि या सज्जल या हीरा, इन दोनों में किसी एक के घर भेज के ही रहेगी सास को, हमाद को इतना खिलाफ करेगी अपनी माँ के कि वो खुद अपनी माँ को घर से निकाल देगा। मगर एक ना एक दिन हमाद को इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा कि माहम बहुत गलत थी, तब वो जाकर भी कुछ नहीं करेगा, माहम को घर से निकालेगा, मगर क्या फ़ायदा, माँ तो घर से जा चुकी होगी ना। और यहाँ उमैर अलीज़े को देखने आता है और सज्जल को देखते ही वहाँ से चला जाता है, अलीज़े की कॉल पर भी कॉल अटेंड नहीं करता। अलीज़े का तो रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पर सज्जल का ये सोच सोच कर बुरा हाल है कि जब उसके घर वालों को इन सारी सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा, अशर कैसे रिएक्ट करेगा, सास कैसे रिएक्ट करेगी, फरी क्या कहेगी, सबका कश्मकश सज्जल के माइंड में चल रही है और अभी वो किसी से बात भी नहीं कर रही। ना चाहते हुए भी चली गई अलीज़े के पास, उसको दिलासा दिया तो अलीज़े ने भी कह दिया कि वो कभी मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं थे, वो उसी से मोहब्बत करते थे जिससे उसने पहली दफ़ा मोहब्बत की और उसी ने टुकरा दिया, और देखो आज मुझे टुकरा कर चले गए, शायद उन्होंने अपनी मोहब्बत का बदला लेना था मेरे से। अब तो सज्जल भी खुद को रोक नहीं पाई और चली गई उमैर से बात करने के लिए, पहले तो हीरा को सारी सच्चाई बताई, फिर उमैर से बात करने लगी और कहा कि इसने मेरी नंद को फंसाया सिर्फ़ और सिर्फ मेरे करीब रहने के लिए कि मुझे अज़ियत दे सके, मैंने कितना साथ दिया उमैर तुम्हारा, मैं आखिरी टाइम तक तुम्हें कहती रही कि मुझसे शादी कर लो, मगर तब तुम नहीं माने ना, तब तुम्हें पता नहीं ज़िंदगी में क्या चाहिए था, मैंने तो स्टैंड लिया ना, मैं तो अपनी फैमिली के सामने खड़ी होगी तुम्हारे लिए, और तुम तब बुजदिलों की तरह भाग कर चले गए और आज तुम ये हरकत कर रहे हो, इस हरकत की तवक्को तो मुझे तुमसे थी ही नहीं। उमैर जो कि कहता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो नहीं जानता था कि अलीज़े तुम्हारी नंद है, मगर सज्जल यहाँ पर किसी की बात सुनने नहीं, मगर सिर्फ अपनी और अपनी बात सुनवाने के लिए आई है, वो तो अपनी बात सुनवा कर चली जाती है। यहाँ पर उमैर कहता है कि जितना तुम अलीज़े का ख्याल करती हो, काश तुमने उतना ख्याल मेरा भी किया होता। वैसे अगर हम शुरू से एपिसोड्स देख रहे हैं, देखा जाए तो सज्जल ने बहुत ख्याल किया था उमैर ने, तब उमैर ने खुद सज्जल को छोड़ दिया और अब इस एक्ट की वजह से सज्जल की ज़िंदगी तो बर्बाद होने ही वाली है। अनकरीब सारे घर वालों को उमैर का पता चल जाएगा कि उमैर हीरा का देवर है, और सज्जल ने किसी को बताया ही नहीं कि वो हीरा का देवर है, अब सज्जल की ज़िंदगी में मुश्किल में आने वाली है। सास तो पहले ही सज्जल को बर्दाश्त नहीं करती, वो पहले ही सज्जल को घर से निकालने के चक्रों में थी, अब तो उसके पास एक पूरा सबूत आ गया, एक मोटिव मिल गया उसको कि किस तरीके से वो सज्जल को इस घर से निकाल सकती है, सज्जल और उमैर का नाम साथ जोड़कर। तो क्या अशर के ही सज्जल को घर से निकाल देगा या सज्जल की सफाई भी सुनेगा? इन तमाम बातों और मज़ीद जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।